ये कह रहा था मेरी लाइफ के लिए आप लोगों की नहीं सही ना। आप लोग तो अभी भी आए माशाल्लाह फ्रेश होके। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? प्रेजेंटेशन में मजा आता है या बोरियत होती है? कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो बताया करें ताकि हम उसको सॉल्व किया करें सही ना। क्योंकि लोगों को ऐसी बातें दिल नहीं करता बोर एंटरटेनमेंट करेंगे कोई डांस वांस के इंतजाम करवा देंगे भंगड़ा शंगड़ा करवा देंगे। वैसे मेरी कोशिश होती है प्रेजेंटेशन को बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट लेके चलूं, पॉइंट टू पॉइंट बात करूं और लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करते हुए लेके चलूं, बोर ना हो। सही है? अगर कोई सवाल है तो नोट कर लीजिएगा, आखिर में लाजमी पूछिएगा। सवाल नहीं पूछते तो उसका मतलब ये है कि बस टाइम पास किया और वापस चले। सही है? प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन का आज का जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट और इन्वाइटिंग प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट को तलाश करना और उसको ढूंढना और उसको इन्विटेशन भेजना, ये अलग अलग प्रोसेस हैं, इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। इंसान हम सब हैं माशाल्लाह, हम एक छोटी सी हस्ती करते हैं, वो दिखने में बहुत छोटी सी होती है लेकिन उसका जो नुकसान है ना वो बहुत बड़ा होता है। हम लिखते नहीं, हमें लिखने की आदत डालनी चाहिए। जो रिसर्च है ना उसके ऊपर वो ये है कि जब हम कलम उठा के लिखते हैं ना तो लिखने से पहले या लिखने के दौरान वो चीज़ हमारे दिमाग में पहले सेव होती है, उसके बाद फिर हम उसको लिखते हैं। मतलब ये कि अक्सर हमें स्कूल में समझाया जाता था कि बेटा याद करना है ना और मुश्किल हो रही है तो लिख लिख के याद करो जल्दी याद हो जाएगा। उसकी यही वजह है कि जब हम लिखते हैं तो वो पहले सेव होता है उसके बाद वो लिखा जाता है। इसी तरह कैलकुलेटर है, छोटी सी डिवाइस है, उस पर हम वन लिखते हैं तो जब हम वन का बटन प्रेस करते हैं और उसका जो डिस्प्ले आता है वन, उसके दरमियान में वो सेव हो चुका होता है, उसके बाद वो डिस्प्ले का आता है। तो इसी तरह हमारा पेन और कलम है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी काम करने का तरीका है ना वो हमें लिखना चाहिए कि हमें किसको ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, किसको इन्विटेशन भेजना है, किसको पहले भेजना है, किसको बाद में भेजना है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। हमें करना है क्या है, बस उसके ऊपर अमल करके वैसे ही लेके चल अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। किस किस ने अपनी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
हद तक ज्यादा बड़ी लिस्ट आप बना सकते हैं ना, जामिया मतलब बड़ी ज्यादा लोगों की वैसे बनाए, लेकिन उसको ना डिवाइड कर दें दो चार लिस्टों में, अलग अलग पेज में, रजिस्टर में, कॉपी में पोर्शन बना के उसको डिवाइड करके लेके चले। वो कैसे? सबसे पहले ये जो भी आपके लिस्ट है एक्सरसाइज, वो भी हम बताते हैं कि हम कैसे बनानी है या पोर्शन कैसे बनाने हैं। अपनी लिस्ट को देखें, जो भी आपने अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाई हुई है या कंज्यूमर लिस्ट बनाई हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट बनाई हुई है, उसको जिसमें फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, रिलेटिव होंगे सब, उसको बार बार देखें और पढ़ें और उसके बारे में सोचें कि वो किस किस को जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोजेस को जानता हूँ, मोजेस का नाम लिखा है। अब मैं मोजेस से बार बार सलाम दुआ करता रहता हूँ ना, तो मेरे जहन में क्या है, मोजेस के नाम से आते ही मिस शिबा, मोइन भाई, एंजल और उनके जो फ्रेंड्स वगैरह आते हैं वो मेरे जहन में आए, तो क्या करूँ मैं, एक अलग पेज पे इनके नाम के साथ वो नाम किया इनको टारगेट करना, इनको इनसे सलाम दुआ करके इनको इन्विटेशन भेजना। तो क्या हुआ, एक नाम से चार पांच नाम नहीं कराए, कम से कम मिनिमम बता दूंगा, सही है। किसी तरीके से मुश्ताक भाई का नाम आता है तो दो चार नाम और जहन में आ रहे, आपका नाम आता है तो आपके बच्चों के, आपकी फैमिली के नाम जहन में आ रहे। इसी तरह से हम जिस जिस शख्स से मिलते हैं ना, उसके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, किसी का नाम लाजमी जहन में आता है, तो आपकी लिस्ट बहुत बड़ी होती जा रही है। करना क्या है कि लिख के उसके बारे में सोचना है, बस वो नहीं कर रहे, बस हवा हमारे यार मुझे याद है, मुझे याद है, मेरे पास मोबाइल में सेव है। मोबाइल वो काम नहीं करता जो आपकी पेंसिल और कॉपी करके देगा। आपने बार बार अपनी लिस्ट को देखना है, पढ़ना है, आपकी लिस्ट खुद बहुत बड़ी होती चली गई। लिस्ट बड़ी हो गई, पहला स्टेप आपका कंप्लीट होगा। लेकिन जब आपके पास लिस्ट ही नहीं होगी, नाम ही नहीं होगा, तो फिर आप इसको चले चले कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। आज सर कॉल अटेंड करके आने।
अपनी फहरिस्त में मुसलसल इजाफा करते रहे, फहरिस्त में मतलब जो इन्विटेशन, बीवियों में नहीं, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हो, मेंबर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, कंज्यूमर हो, कोई भी हो, सही। अच्छा, एक्टिव कैंडिडेट्स के लिए सब सेपरेट बना दिया, उनको आपने फालतू तंग नहीं करना है। ऐसा ना हो गलती से उनके पास इन्विटेशन का मैसेज भी नहीं जाना चाहिए, एहतियात करनी, क्योंकि आजकल सर्विसेज वालों के भी इतने मैसेज आते हैं कि रात को, सुबह, दिन में, तो बंदा फोन उठाता है या कॉल उठाता है, यार ये सर्विस वालों की गाली बकिया रख देता है, तो गुस्सा तो होता है ना बंदा, किस काम में मसरूफ है, बिला वजह में मैसेज आया, बिला वजह में कॉलेज। तो जो आपकी एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट है ना, इनको आपने सिर्फ काम के टाइम या फिर हाल चाल पूछने के लिए कॉल करनी है, फजूल में मैसेज नहीं जाए, फजूल में कॉल नहीं जाए, फजूल की जो उस तरह का होता है ना वो काम नहीं करना है। वो डिस्टर्ब ना, वो आपकी एक्टिव लिस्ट है, वो एक्टिव है, उनको आपने नहीं छेड़ना, फॉलो अप लेना है, काम के तरीके बताने हैं, काम सिखाना है, काम सही है। कौन कौन कोई करता है काम एक्टिव लोग, करना चाहिए नहीं करना चाहिए बोला, करना चाहिए मैडम के लिए, तंग करना चाहिए एक्टिव लोग, एंजॉय मैडम जो भी काम करे ना आपको पर्पस के तहत, एक मकसद होना चाहिए आपका कोई भी काम करने का। अगर आपने, मैंने मॉजिस से कांटेक्ट करना है ना, तो मेरे जहन में मकसद होना चाहिए कि यार मॉजिस क्या काम हो सकता है, कैसे कर सकता है, मैं इसको क्या करूं, किस मकसद के तहत मैं इसको कॉल करूं, उसी मकसद पे बात करूं, करना क्या होगा नेक्स्ट टाइम, ये प्रॉब्लम है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे काम, मतलब जो भी काम करना है आपने उसी मकसद से करना है। डी एक्शन ये नहीं है कि आके बैठ गया और चलेगा, आके बैठ गया और चलेगा, यहाँ आना है, बैठना है, तो किसी मकसद से आना है, किसी मकसद के तहत काम करना है, वरना यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टिंग। लॉ ऑफ एवरेज, जो भी आप काम कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग है, इन्विटेशन है, वो लॉ ऑफ एवरेज के तहत काम कर रहे हैं। लॉ ऑफ एवरेज इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, शॉर्ट में बता दें, समझना, आपने 100 लोगों को इन्विटेशन भेजा, उसमें से कितने लोग आएंगे, 10 आएंगे, 10 लोग आएंगे, 10 लोगों को ज्वाइन करवाया, कितने लोग काम करेंगे, एक करेगा, एक या दो लोग काम करेंगे, ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना है पहले से, ये नेटवर्क मार्केटिंग का असूल है। अगर आपने सोचा है मैंने 100 लोगों को ज्वाइन करवाया, एक भी काम नहीं कर रहा है, आप डिसवर्ड हो, तो आपने आपको रिजेक्शन को हर वक्त अपने जहन में रखें, उसी के तहत आपने काम करना, कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्विटेशन भेजें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं। अगर 100 लोगों को इन्विटेशन भेजेंगे तो 10 लोग आएंगे, अगर 500 लोगों को इन्विटेशन जाएगा एक महीने के दौरान तो 500 में से 50 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे तो 10 ज्वाइन होंगे ना। अब आप भेजेंगे 10 लोगों को इन्विटेशन पूरे महीने में, तो कितने लोग आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। तो जो भी काम करें वो लॉ ऑफ एवरेज के तहत काम करें, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं उनको मधु करना, उनको बुलाना, उसके बारे में। अच्छा, दी जनरल अप्रोच। अच्छा, कुछ लोगों की होती है हंटेड अप्रोच ना, हंटेड समझते हो, शिकार करना, कर लो बहुत क्या हो, शिकार कर लो, दिल बाग बाग है। आज भी है, कौन सी लगी, कपड़ा तान शिकारी नजरिया जो है ना, उस तरह का कोई मेंबर आया है, कोई बंदा आया है, उसको भेज दूं और उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना, बहुत ज्यादा उस पर टाइम लगाना, तो ये गलत है। वो समझता है यार मैं शिकार बन रहा हूँ, या मैं घिर रहा हूँ, या मुझे घेरा जा रहा है, इस तरह से उसका जहन हो जाता है। आपने नॉर्मल बात करनी है, एजुकेशन पे बात करें, सिस्टम पे बात करें, मार्केटिंग प्लान पे बात करें, काम करना है या नहीं करना है ये उसके ऊपर डिपेंड करना है। आपने जनरल बातें करनी है सारी की सारी, ये नहीं बोलना है कि पहले दिन ही ये फॉर्म रखा हुआ है आप ज्वाइन हो जाए, और ऐसे 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 कभी भी नहीं करना। आप पहले उसको यूजर तो बनाए, उसको प्रोडक्ट तो पसंद आए, उसको सिस्टम तो पसंद आए, उसका दिल तो लगे यहाँ पर, उसका दिल ही नहीं है जब किसी चीज में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मेंबर बना के क्या करना है, कोई फायदा ही नहीं, बिला वजह में आपका टाइम जाया होगा, उसका भी टाइम जाया होगा। तो बहरहाल जो शिकारी नजरिया है
वो नहीं रखना, अभी अगली स्लाइड में और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो इसके अलावा करना क्या है ये भी बता दें, सही तादाद पे तवज्जा हो, मतलब वही मैंने भी बताया कि 100 लोगों को आप बुलाएंगे तो 10 लोग आएंगे, ऐसे ही तो आपने इस पर तवज्जा देनी है और स्किल्स पे ध्यान नहीं देना। बहुत से लोग क्या कहते हैं यार सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और इंटर वाले लड़कों को जवाब दावत देनी है, इससे नीचे वालों को नहीं बुलाना है, या फिर अगर किसी का पान का खोखा है तो उसको नहीं बुलाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बिजनेस मैन है तो यार वही काम करके देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इस सिस्टम में सिर्फ वो काम करेगा जिसका इंटरेस्ट होगा, जिसकी भीड़ होगी, जिसका दिल लगेगा, वो इस सिस्टम में कामयाब होगा। अच्छा, हंटर अप्रोच नहीं रखनी तो फिर क्या करना है, फार्मर्स अप्रोच रखना है। फार्मर्स क्या करते हैं, फसल लगाने से पहले जमीन को तैयार करते हैं, डायरेक्ट बीज लगा देंगे तो पौधा कभी भी नहीं निकलेगा, सही ना। जमीन को खोद के पत्थर निकालना, उसको तैयार करना, उसमें खाद डालना, उसको पानी देना रेगुलर, फिर उसमें एक टाइम होता है उसके बाद उसमें बीज लगता है, फिर बीज लगने के बाद कितनी उसमें काम होता है, तो क्या पहले वो जमीन को जरखेज बनाते हैं। तो आपने प्रोस्पेक्ट को मेंबर को उसको प्रोस्पेक्ट को तैयार ही नहीं किया तो मेंबर कैसे बनेगा। अच्छा, वो एक अलग टॉपिक है जो मैं दूसरी प्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ कि आपने मौका कैसे बनाना है, जमीन कैसे तैयार करनी है, वो एक अलग टॉपिक है, वो मेरे ख्याल से न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में अच्छा है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है वो, कि आपने पहले माहौल बनाना है, उसके बाद अपना इन्विटेशन रखना है उसके सामने, पहले उसको जॉब की अहमियत बतानी है, बिजनेस की अहमियत बतानी है, फिर इन दोनों में डिफरेंस करना है, फिर उसके बाद एक होती है इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, पैसिव इनकम की अहमियत बतानी है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, इसमें थोड़ा सा फर्क है, आपको पता है एक्टिव इनकम क्या है पैसिव इनकम क्या है। एक्टिव इनकम ये है कि मैं यहाँ पर ड्यूटी पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, वो मेरी क्या है एक्टिव इनकम, मैं काम कर रहा हूँ महीने के आखिर में तनख्वाह ले रहा हूँ, काम कर रहा हूँ महीने के आखिर में तनख्वाह ले रहा हूँ, एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम क्या है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, सैलरी यहाँ से ले रहा हूँ, लेकिन पैसिव इनकम भी आ रही है मुझे कहाँ से, मैंने एक गाड़ी है वो रेंट पे दी, मैंने एक बंगला है वो रेंट पे दिया, तो वहां से मुझे पैसे आ रहे हैं, मैं काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन पैसे आ रहे हैं, तो वो मेरी क्या है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम पैसिव इनकम, ज्यादा पैसे ज्यादा मार्के ज्यादा मार्के ज्यादा अच्छी बात, तो पैसिव इनकम की तरफ ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के हालात में महंगाई बहुत ज्यादा है, तो लोगों को बताओ कि यार एक्टिव इनकम तो आप कर रहे हो लेकिन इसमें गुजारा किसी का भी नहीं होगा, आपका तो क्या किसी का भी नहीं होगा, तो आप पैसिव इनकम की तरफ ध्यान दो। वो कह रहे हैं बात तो सही कर रहे हो, क्या पैसिव इनकम यार, ये कर सकते हो, बंगला ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, रिएक्शन कर सकते हो, आगे रिएक्शन खुद बखुद, तो ये मौके बनाना, ऐसे कहते हैं पहले माहौल बनाना, माहौल बनाने के बाद छक्का मारना, सही है। अच्छा, करना क्या है, हंटर अप्रोच नहीं रखनी तो फार्मर वाली अप्रोच रखनी है, और फिर उसके बाद रिलेशन बनाना, उनके साथ ताल्लुक बनाना है, उनके साथ अच्छे माहौल में अच्छे किरदार में रह के अच्छी तरीके से उनसे बात करनी है, ताकि वो आपके साथ बात करने में दिलचस्पी लें, इंटरेस्ट पैदा हो उनके अंदर, वो अच्छी तरीके से आपकी बात सुने। ट्रस्ट, भरोसा, प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी और मौके के लिए अहतमान पैदा करना। बहुत से लोग जैसी बातें नए होते हैं तो उनको प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भरोसा नहीं होता, तो आप उनको प्रोडक्ट भरोसा दिलाएंगे तो आपके साथ काम करेंगे ना। जब उनको प्रोडक्ट की पहचान ही नहीं है, प्रोडक्ट कैसे यूज करनी है, उसके रिजल्ट क्या है, उसमें भरोसा ही नहीं है, डायरेक्ट आप उनको मेम्बर बना के काम नहीं करवा सकते, सही है, तो उस पर भरोसा दिलवाए उनको। लोगों को सिर्फ भर्ती करना मकसद नहीं है, उनसे काम भी करवाना है, जितने लोग आप भर्ती कर रहे हैं उतने ही लोग काम करें तो फिर मजा है, 100 में से 10 लोग 2 लोग 3 लोग काम करें तो उसका मजा नहीं है, 100 में से 50 लोग काम करें 60 लोग 70 लोग काम करें तो फिर मजा है। तो लोगों को लाएं, उनको एजुकेट करें, उनको इन्फॉर्मेशन दें, जिसकी दिलचस्पी होगी वो खुद ब खुद ज्वाइन करेगा, वो खुद ब खुद काम करेगा, जिसकी नहीं होगी वो वापसी चल जाएगा, लाजमी नहीं है कि आप सबको ज्वाइन करवाएं, जितना है वो सब लोग ज्वाइन करें, और आपने हमेशा कंसल्टेंट की तरह रिएक्ट करना है, एक्सपर्ट कभी भी नहीं बनना, इसके भी बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ खड़े होकर 2 घंटे की प्रेजेंटेशन दूँ आप लोगों को और 2 घंटे में मैं आपको बताता रहूँ मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं डीएक्शन को ये जानता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो किया, वो किया, और इन सारी बातों में कोई एक गलती से मेरे मुझसे कोई बात निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि सोप जो है वो फेशियल में यूज नहीं होता, क्या ऐसी कोई भी एक्सपर्ट जाए, मैंने कोई बात कर दी और वहां किसी बंदे ने बैठे मेरी बात पकड़ ली, उसने बोला है तो झूठ बोल रहा है, तो पिछले 2 घंटे से जो मैं बातें कर रहा था वो सारी बातें जाया होती है, वो मेरी 10 में से 1 बात पे भी भरोसा नहीं कर रहे। तो आपने एज अ कंसल्टेंट बात करनी है और एज अ स्टूडेंट बात करनी है, क्या मैं भी सीख रहा हूँ, पुराना हूँ, सही है, मुझे आता है सब कुछ, लेकिन अभी भी मैं सीख रहा हूँ उसको नेटवर्क मार्केटिंग को। इसमें क्या है कि गलती के चांस जो भी होंगे वो आप उसको कवर कर सकते, एक्सपर्ट अपने आप में कभी शो नहीं करता, सही। उम्मीदवारों को मधु करते हुए अपने जज्बात को कैसे काबू में रखें, काबू में रखना तो बहुत जरूरी है, सही है ना, क्या करें, दिल स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है। तो बहरहाल प्रोस्पेक्टिंग के दौरान बहुत सारी चीजें आपको फेस करने को मिलेंगी। आज का जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो चल रही है सियासत। भाई मैं तो नौजवान को सपोर्ट करता हूँ, किसी में मैंने देख लिया नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हुए मैं फौरन हाइपर हो जाता हूँ, भाई क्या बोलूँ, नहीं आया लेकिन ये गलत है। आप किस मकसद से बैठे हैं, बिजनेस काम रिएक्शन के मकसद से उसके साथ बैठे, तो आपने जज्बात को रख देना है साइड में, आपने किसी दूसरे या खास टॉपिक पर बात ही नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की और काम की बात करनी है, ना सियासत पे बात करनी है, ना फोन पे, ना कंट्री पे, ना मूवीज पे, किसी चीज पे बात नहीं करनी, सही है। तो अपने जज्बात पे काबू रखने बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजों को ऐसी करेगा, कुछ खा रहे क्या खा रहे हैं चले छोड़े को बात होता है, जज्बात अगर यहाँ और यहाँ तक है तो कंट्रोल कर ले, अब यहाँ है तो उनका क्या कर ले, उसको तो किसी का कंट्रोल नहीं है, तो उसकी इजाजत है, सही है ना, इसी वजह से खा रहे, पहले दिन ही आप उसको सब कुछ दिखा देंगे, बता देंगे वगैरह, ये तो मलेशिया घुमा के गया मुझे बैठे बैठे, उसको ये भी बताना साथ में, भाई ये काम का तरीका है, ये है ये बनना है, फिर ये बनना है, फिर इस पोजिशन पे जाऊंगा, सही ना, तो टाइम तो लगता है ना हर चीज में, तो उसको मजीद और प्लान किया हुआ उन्होंने आगे अपने आप को नतीज से अलग कर, हाँ ये गुस्से में देख लिया, असल में उसको वो पापा नहीं बैठना है जिसके उन्हें जो भी आपके प्रोस्पेक्ट होंगे उन्हें ये समझाएं कि मकसद तालीम है, तालीम से मुराद इंफॉर्मेशन, रिएक्शन की इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग प्लान की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या फिर नॉर्मल तालीम, जो भी है मकसद जो है वो तालीम है, उनको पकड़ के मेंबर बनाना ये मकसद नहीं, ये क्लियर कट उनको आप पहले दिन ही समझाएंगे, उनके दिमाग में खुद ब खुद बैठेगा तो दिलचस्पी लेंगे, अगर उनके दिमाग में ये आया कि आप उनको जो है वो शिकार बना रहे तो उनका दिल खराब हो जाएगा, सिखाने और समझने पे तवज्जो दे, बहुत आसान आसान तरीके से या फिर इजी करके हमको इजी बना के, अगर आप कंज्यूमर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो है ना, बहुत ज्यादा अगर फोकस करेंगे कंज्यूमर के ऊपर एक ही बंदे के ऊपर, तो तब भी वो ये समझेगा कि मुझे शिकार बनाया गया, तो इस सारी चीजों से हमें एहतियात करनी है। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपने एक्सपर्ट नहीं बनना, प्रोफेशनल नहीं शो कराना अपने आप को, सही है, बेहतरीन बने, अच्छे से अच्छा बने और मुकाबला करें, मार्केट में अच्छे लीडर बने, अपनी एक अच्छी पहचान बनाए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सही है। जोशो खरोश
पुरजोश रहे हैं। अपने आप को पुरजोश दिखाएंगे ना तो सबसे बड़ा मैसेज तो वो आपकी कामयाबी होगी, आप खुश होंगे, जब आप खुश होंगे तो आप खुश खुर्रम होंगे, जब खुश खुर्रम होंगे तो खुर्रम होगा ना। बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आप कितने एनर्जेटिक हैं, आप कितने खुश हैं, कितना मुतमईन है रिएक्शन में, या जो बॉडी लैंग्वेज बताती है आपके जज्बात बताते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कंट्रोल रखना है। और ये आपके अल्फाज जो है आपके जज्बात आपके लैंग्वेज में दिखने चाहिए। फोन पे भी अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत से लोगों का फोन पर बात करने का अंदाज ऐसा होता है कि सामने वाला होता है जल्दी से जान छुड़ाऊँ तो पता नहीं क्या हर बात पर गुस्सा कर रहा है या हर बात को घसीटे जा रहा है, कोई ज्यादा लंबा खींचे जा रहा है। तो बिल्कुल नॉर्मल रहना है, खुश क्लासिटी से बात करनी है, हंसी मजाक से बात करनी है हर बंदे से, सही है। फोन पर भी आपका जो रवैया है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मजबूत अंदाज तय करें, मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस वाले लेवल से ना भरपूर कर। लेकिन वो कब होगा, जब आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट को आप यूज कर लेंगे, प्रोडक्ट को खा लेंगे, प्रोडक्ट देखने वालों के साथ शेयर कर लेंगे, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर। उससे पहले आप सिर्फ ये बोलते रहेंगे कि यार कॉफी यूज कर लो, अच्छी कॉफी यूज कर लो, अच्छी कॉफी यूज कर लो, अच्छी। मेरे घर वाले बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ भाई ही यूज करनी छोड़ दो, मैं यूज कर रहा हूँ, नाम मैं पूछूंगा यू करके ले लो, हाँ अच्छा अच्छा तो फिर वो खुद ही ले। तो आपके जो अल्फाज है ना उससे बड़ी वैल्यू होती है। खुद इस्तेमाल करता हूँ, क्यों नहीं बनाई पीती नहीं, बोली नहीं तो पियोगी, दो पियो अगर आप पहले ही उनके लिए बनाई लेंगे तो फिर वो है ना छोड़ ऐसा ही अगर जबरदस्ती बना के देंगे पता नहीं क्या नहीं वाइफ को तो खिला नहीं चाहिए ना, खिला नहीं चाहिए जब आप ये सारे काम कर लेंगे ना, मतलब कॉफी लाने की बात नहीं कर रहा था हमको, मैं मतलब ये कि आप प्रोडक्ट यूज कर लेंगे हम अच्छा आपका अंदाज होगा, आप सुरक्षित मान होंगे, तो आप ऐसे नॉर्मल अंदाज में खड़े होंगे ना तो फिर भी आप ऐसे लिखेंगे ताकतवर कर, क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ना आपका वो बोल रहा है। ये कुछ जरिया बताए लोगों को बात करने के, फेस टू फेस काम कर सकते हैं, फोन के ऊपर आप लोगों को मदद कर सकते हैं, वार्म मार्केट है, कोल्ड मार्केट है, और कुछ स्टेप भी आगे बताए होंगे। वैसे तो पीछे सारे स्टेप हो गए, अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि आप फोन पे इन्विटेशन ऐसे भेज सकते हैं, कॉल पे इस तरह से भेज सकते हैं, तो वो तो नॉर्मल बात है, वो उनको खास बात नहीं है। नफ्सियाती मसला अच्छा भैया क्या है, जल्दी में बहुत से लोग जल्दबाजी में रहते हैं, तो जल्दबाजी जो है वो अच्छी चीज नहीं है, खासतौर प्रोस्पेक्टिव में। एक प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 से 4 मुलाकातें की जरूरत होती है, ये ध्यान में रखें। अगर पहली मुलाकात में आपने उसको ज्वाइन करवा दिया, वो बंदा आपके लिए विजन लेकर काम कर, 3 से 4 मुलाकातें चाहिए होती। पहली मुलाकात में आप अपना और कंपनी का इंट्रोडक्शन करेंगे, दूसरी मुलाकात में मार्केटिंग प्लान उसको बताएंगे, तीसरी मुलाकात में कुछ और बताएंगे, चौथी मुलाकात में कुछ और बताएंगे। जब वो क्वालिफाई हो जाएगा वो खुद बोलेगा कि भाई काम शुरू कैसे करूँ, ये लो फॉर्म ये फिल कर दो और ये तरीकेकार है, इस तरह से आप काम को शुरू करो ना। अच्छा खुशो खुर्रम की भी हम बात कर रहे थे पीछे, तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी है जो कि हम कल ही जानते हैं कि अगर आप खुशो खुर्रम दिख रहे होंगे, अट्रैक्टिव दिख रहे होंगे, तो लोग अट्रैक्ट होंगे आप। अगर आप मायूस बैठे रहेंगे, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं भले से 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप मायूस बैठे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, बात में वो भरम ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है बात के अंदर, वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है, और होते कुछ हैं, तो उसमें क्या होता है बंदा भी ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बता नहीं रही है ना, कहता है क्या इसके साथ काम करना।
तो वो बंदा आपकी बात सुनेगा, मतलब जब आप किसी को कॉल करें तो उसको ये नहीं मैसेज आना चाहिए कि वो फालतू बैठा हुआ है, फारिग बैठे हैं आप ना, और आप उसको कॉल कर रहे हैं, ये मैसेज नहीं आना चाहिए उसको। ये मैसेज आना चाहिए कि आपने उसके लिए टाइम निकाला, आपने उसको वैल्यू दी और आपका टाइम भी कीमती है, तो वो भी फिर आपकी बात गौर से सुने। सही है ना? तो इन दोनों चीजों में फर्क है। उसने बात करते हुए जाओगे यार मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, हाँ हाँ बोलो बोलो। वो ये भी समझ जाएगा कि ज्यादा टाइम नहीं लेगा मेरा, और ये भी समझ जाएगा कि बात कोई खास हो। तो बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। नाइस वर्क। प्रोस्पेक्ट को जो है वो अप्रिशिएट करना, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है ना? जब भी आपका नानी उम्मीदवार या जो भी है उसकी आप तारीफ करते हैं, अप्रिसिएशन तो आपको पता है हर चीज में हर बंदे के लिए जरूरी होती है, तो ये इसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बस काम करो करो, करवाते जाओ करवाते जाओ, उसको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं देते, गिफ्ट नहीं देते, ट्रॉफी तहाइज नहीं देते। मुझसे ये लोग मुझसे कितने काम ले रहे होते हैं, कभी किसी ने दिया कोई क्यों? तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बड़ा बहुत और खास तौर पे हम लोग अपने बच्चों के साथ भी ये काम कर रहे हैं। करो गुस्से में बोलते हैं ना, बोलते निकल जाते हैं, लेकिन उनके जहन में क्या बैठ रहा है ये हमने नहीं सोचा, उनके दिमाग में क्या बैठ रहा है वो करने वाला भी और आपको मैं करूंगा ही आजकल तो ऐसे बच्चे। तो आपने कभी भी रास्ते बंद नहीं करने, हौसला देना है, चलो अभी नहीं बाद में कर लो, ऐसे ही। तो इस चीज का हमें ना प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आपको अपनानी चाहिए। सारी चीज कौन कौन सी अप्रोच आ रही है, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, ये वो ये लोगों को जब आप इन्विटेशन भेजते हैं तो आप उसका जरिया क्या होता है, किस तरीके से उनको अप्रोच करते हैं उनके बारे में बताएंगे। वो जो मैंने बात कही थी ना वो मेरे जहन में भी अटकी है, जिसकी मैंने मोजेस की एग्जाम्पल सुनी है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको सबसे ज्यादा आपने ध्यान देना है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मोजेस की एग्जाम्पल दी थी ना, अब आपने करना ये है कि मोजेस को तो मैं जानता हूँ, मोजेस को मेरा मेंबर है, सही है। अब इसके साथ रहते हुए मैंने इनके घर वालों के जो ख्यालात है ना उन पे काम करना है, उनके बारे में सोचना है कि वो किस तरह की सोच रखते हैं, आया तो वो बिजनेसमैन टाइप के लोग हैं, बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर फलाह बहबूद का काम करने में इंटरेस्ट लेते हैं। तो फिर मैं उस हवाले से रिसर्च करके जाके उनसे मिलूँ, जाने से पहले मिलने से पहले मुझे पता होना चाहिए उनका मकसद क्या हो, वो चाहते ही क्या है, उनके ख्वाब क्या है। तो ये कैसे पता चलेगा, मौजिस से ज्यादा मुलाकात करके, मौजिस के साथ बैठ के फिर मुझे पता चलेगा। तो ये तरीकेकार अगर हमने अपना लिया ना तो हमारी लिस्ट मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगी मैक्सिमम, तो हो ही जाएगी। आप डायरी यूज करते हैं, आपके पास कितने लोग हैं आपकी डायरी में? 600 के करीब लोग हैं। तो आप ये बढ़ाते कैसे हैं, ऐसे बढ़ाते हैं कि रास्ते में कोई आपको मिल गया आपने से सलाम दुआ कर लिया और चले गए, जितना से रास्ते में ऐसे भी लोग ऐसे भी मिलते हैं। और आपके जानने वालों के जानने वाले कैसे मिलते हैं या नहीं मिलते? बिल्कुल जानने वालों के भी मिलते हैं। वो कैसे मिलते ये बताएं, तो एक एग्जांपल दें उनकी रेफरेंस से जो मिलते हैं, उनकी रेफरेंस से की उनकी रेफरेंस से तो फायदा होता है। तो मतलब जो बंदा आपका मेंबर बन गया या कंज्यूमर बन गया आपकी लिस्ट में आ गया, अगर वो काम नहीं भी कर रहा, वो काम नहीं भी कर रहा, वो बंदे फिर भी दे सकते हैं, ऐसा ही है ना? मतलब आपने सलाम दुआ सबसे रखनी है, फॉलो अप सबसे रखना है, बात सबसे करनी है, इन्विटेशन आपने सबको भेजना है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो क्या फर्क पड़ता है, की फर्क करना है, की फर्क करना है, जब भी आप उससे मिले हैं, उसको इन्विटेशन भेजे हैं, उससे बात करें मीटिंग में, तो आपने
खून को बंद रखना है या इस तरह की चीजें उस वक्त ना होने देनी है कि जिससे वो डिस्टर्ब हो। बहुत सारे लोग सियासत पे बात शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग टीवी चैनल चल रहे हैं या होटल में बैठ गए तो कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसी जगह बैठ गए तो आपको पता है कि बच्चे आगे मुझे डिस्टर्ब करेंगे, तो ऐसी जगह पर बात शुरू नहीं करनी। कहीं पर भी आप बात शुरू करें बिल्कुल सुकून की अच्छी जगह होनी बहुत जरूरी है, और सामने वाले को सेफ एनवायरनमेंट फील करना, उसको ये भी ना फील करना है कि आप उससे गुस्सा हो सकते हैं या कोई ऐसी बात कर सकते हैं, उसको बिल्कुल सेफ फील होना चाहिए ताकि वो रिलैक्स हो जाए आपकी बात सुन। ये थी आज की हमारी छोटी प्रेजेंटेशन, उम्मीद आप गुड मॉर्निंग। जी मैडम, क्या फरमाते हैं आज की ट्रेनिंग के बारे में आप? जबरदस्त ट्रेनिंग है, ऐसी ट्रेनिंग तो होनी चाहिए और सीखना चाहिए, नए लोगों को ज्यादा ज्यादा आगे आना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखेंगे तो कामयाब होंगे। थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन नंबर 1।